नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज सर्वाइकल। दोस्तों, देखा जा रहा है आज सर्वाइकल एक ऐसी समस्या बन गई है कि हर व्यक्ति सर्वाइकल जैसी बीमारी से पीड़ित है। आज इस बीमारी से कोई भी अछूता नहीं है। हर किसी को कभी ना कभी सर्वाइकल जैसी बीमारी घेर ही लेती है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है, हमारा बैठने का तरीका ठीक नहीं है, हमारा काम करने का तरीका ठीक नहीं है, हम जिस बिस्तर पर सोते हैं वो बिस्तर ठीक नहीं है, हम जो स्टडी करते हैं हम ठीक तरीके से नहीं बैठते, इसलिए हमें सर्वाइकल हो जाता है। हम ऑफिस में जिस चेयर पर बैठकर हम वर्क करते हैं उस पर हमारा पोजिशन ठीक नहीं रहता, जिसके कारण से हमें सर्वाइकल हो जाता है। या उन लोगों को सर्वाइकल ज्यादा होता है जो ज्यादा ड्राइविंग करते हैं, या स्कूटी बाइक पर ज्यादा रहते हैं, ज्यादा ड्राइव रहती है, और वो जो हेलमेट लगाते हैं उसमें वेट ज्यादा होता है, इसके कारण से भी सर्वाइकल हो जाता है। या देखा जाता है घरों में महिलाओं को सर्वाइकल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब वो किचन में काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, घर में झाड़ू पोछा करती हैं, जिसके कारण से उनका पोस्चर गलत होता है और उनको सर्वाइकल हो जाते हैं। या हम सिर के नीचे इस प्रकार से हाथ लगाकर सोते हैं, इस प्रकार से सोते हैं, लेटकर टीवी देखते हैं, फोन पर बहुत ज्यादा देर बात करते हैं, लगातार घंटों बात करते हैं, और जब हम टीवी देखते हैं तो लेटकर देखते हैं और तकिया मोटा लगाकर देखते हैं, एक ही पोजीशन में हम घंटों लेटे रहते हैं या घंटों बैठे रहते हैं, जिसके कारण से हमारी नेक स्टिफ हो जाती है और कहा जाता है कि आपको सर्वाइकल हो गया है। और दोस्तों, जब भी सर्वाइकल होता है तो सबसे पहले हमारा नेक वाला जो ये एरिया है ये स्टिफ हो जाता है, यहाँ की जो नर्व है, यहाँ की जो मसल्स है वो जकड़ जाती है, गर्दन घुमाने में भी दिक्कत होती है और कई बार तो बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं। और अगर सर्वाइकल ज्यादा बढ़ जाए तो देखा जाता है कि हाथों में सुन्नपन होना, वॉमिटिंग होना, हेडेक होना, पीछे बैक में भी पेन आ जाते हैं, आंखों के ऊपर ये वाला जो एरिया है आईब्रो वाला, यहां बहुत ज्यादा पेन होते हैं। कई बार व्यक्ति लेटा हुआ है और लेट के तुरंत उठ गया तो चक्कर आता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ घूम रहा है। तो ये कुछ कारण होते हैं सर्वाइकल होने के। दोस्तों, सर्वाइकल को हम एक ही प्रकार का मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। सर्वाइकल चार प्रकार का होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यानी कि इसमें वर्टिब्रा में इंफ्लामेशन हो जाती है। दूसरा होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इसमें वर्टिब्रा जकड़ जाती है। तीसरा होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस, इसमें कई बार मन का टूट जाता है। और चौथा होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, इसमें जो टूटा हुआ मन का है वो दूसरे मन के पर चढ़ जाता है। इस प्रकार से चार प्रकार का सर्वाइकल होता है और हम एक ही प्रकार का सर्वाइकल हुआ है ऐसा समझते हैं। कई बार व्यक्ति हर गर्दन दर्द को सर्वाइकल समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी को नेक में पेन हुआ है, हो सकता है कि आपने ज्यादा ड्राइविंग कर ली, आप गलत तरीके से सो गए और आपको नेक में पेन आ गया, अगर ये एक दो दिन में ठीक हो जाता है तो ये सर्वाइकल नहीं है, ये केवल नेक पेन है। उसमें आपने हल्की सी सिकाई करी, कुछ मूवमेंट करी और आपकी सर्वाइकल की समस्या ठीक हो जाती है। अगर ये दिक्कत कंटिन्यू बनी रहती है, ठीक नहीं होती है, सिकाई करने के बाद भी आराम नहीं मिलता, एक्सरसाइज करने के बाद में आराम नहीं मिलता, तो ये सर्वाइकल हो सकता है। तो आज आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बताता हूं, कुछ न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट बताता हूं। ये एक्सरसाइज और ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे तो आपकी सर्वाइकल की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, जड़ से ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं और कैसे करें हम सर्वाइकल का ट्रीटमेंट। आइए, पेशेंट को इस प्रकार से चेयर पर बिठाना है और यहाँ एक नर्व आ रही होती है, यहाँ हमें थोड़ा सा टेलकम पाउडर लगाना है इस प्रकार से, और ऐसे ही दूसरी साइड लगाना है। इसके बाद देखेंगे हमें अपने अंगूठे की मदद से यहाँ पर प्रेशर देना है और काउंटिंग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले लेफ्ट साइड करना है 8 टाइम, उसके बाद राइट साइड करना है। तरीका वही रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये करने के बाद हमें अपने अंगूठा और उंगली को इस प्रकार से करना है और पेशेंट के हाथ लटके रहने चाहिए। उसके बाद हमें इस प्रकार से क्लॉकवाइज करना है, क्योंकि जब भी सर्वाइकल होता है इस नस में दर्द होता है, इन नर्व में सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जब हम ये करते हैं तो वहाँ सर्कुलेशन बढ़ जाता है और दर्द
तुरंत ठीक हो जाता है। पहले दिन से ही बहुत आराम मिलता है इन पॉइंट से, बहुत इफेक्टिव है। पास पास सिर पर भी हाथ रख सकते हैं, बिल्कुल पास पास, थोड़ा प्रेशर रहे, बहुत ज्यादा भी ना रहे और बहुत ज्यादा कम भी ना रहे, मीडियम प्रेशर होना चाहिए। इस प्रकार से ये ट्रीटमेंट करना है। इसके बाद नेक पर हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है। थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाया जिससे कि हमारा हाथ आराम से स्लिप हो सके। इसके बाद जब भी सर्वाइकल होता है, सबसे ज्यादा ये वाला एरिया प्रभावित होता है, यहाँ स्टिफ हो जाती है, जकड़ जाती है गर्दन, और कई बार तो यहाँ ऐसे हाथ लगाने से ऐसे लगता है बहुत भारी पत्थर जैसा हो गया है। तो यहाँ की नर्व को हमें रिलैक्स कराना है और जिससे कि आगे जो सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा है वो सर्कुलेशन ठीक से हो सके। देखेंगे अपनी हथेली को इस प्रकार से करना है और हमें इस प्रकार से घिसना है, अच्छे से घिस सकते हैं पूरी गर्दन। इस प्रकार से इसके बाद अपने दोनों हाथों को यहां रखना है और अपने हथेलियों और उंगलियों की मदद से हमें प्रेशर देना है। इस प्रकार से ये दबाना, 6 सेकंड होल्ड करना, धीरे से छोड़ना, फिर 6 सेकंड होल्ड करना, फिर धीरे से छोड़ना, फिर 6 सेकंड होल्ड करना, धीरे से छोड़ना, और उसके बाद ये रब करना। ये करने से जो सर्कुलेशन डिस्टर्बेंस है, जो मसल्स स्टिफ हो गई हैं, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और सर्वाइकल में तुरंत लाभ मिलता है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ फिजिकल एक्सरसाइज। आइए दोस्तों, जो फिजिकल एक्सरसाइज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आप ये खुद कर सकते हैं, अपने घर पर कर सकते हैं, या कहीं और भी है तो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप खड़े हैं तो भी कर सकते हैं, आप बैठे हैं तो भी कर सकते हैं। देखते हैं, अपने दोनों हाथों को कंधों पर इस प्रकार से रखना है और इस प्रकार से मूव करना है। ये कोहनियां आगे आकर मिलनी चाहिए इस प्रकार से। शुरू में 10 से 12 बार आप करें इस प्रकार से। ऐसे ही अपोजिट साइड में, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में आपको यह करना है। इस प्रकार से आपको यह करना है। इसके बाद दोनों हाथों को सीधा रखना है और इस प्रकार से मूव करना है, इस प्रकार से करना है। यह भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कोहनी सीधी रहे इसका ध्यान रखें। इसके बाद गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाना, राइट साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऐसा आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। फिर अपने हाथ को यहां रखना है इस प्रकार से और इस हाथ से हमें अपने सिर पर प्रेशर देना है। थोड़ा तेज प्रेशर रहेगा इस प्रकार से। ऐसे ही फिर दूसरी साइड इस प्रकार से, इधर फिर इधर, ये भी 8-10 बार कर सकते हैं। फिर दोनों हथेलियों को इस प्रकार रखना है और अपने चिन के पास लाना है और अपनी हथेलियों की मदद से अपने चिन पर हमें प्रेशर देना है ऊपर की ओर, इस प्रकार से धीरे धीरे नीचे, यानी कि हथेली से ऊपर की ओर अपनी गर्दन को उठाना है, इस प्रकार धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे ऊपर। ये भी आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। उसके बाद अपने गर्दन को मूव करना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। आपको गर्दन आगे नहीं करनी या कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिसमें आपकी गर्दन आगे जाती है, क्योंकि जो गर्दन को आगे करने वाली एक्सरसाइज करते हैं उनको कई बार चक्कर आते हैं। आप ये एक्सरसाइज करें और सर्वाइकल जैसी बीमारी को हमेशा के लिए ठीक करें। दोस्तों, अभी आपने देखा सर्वाइकल की एक जबरदस्त ट्रीटमेंट, सर्वाइकल के लिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइज। अगर ये ट्रीटमेंट और ये एक्सरसाइज आप रेगुलर करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी सर्वाइकल की समस्या 100% ठीक हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो सकती है। ना आपको किसी पेन किलर की जरूरत पड़ने वाली है, ना आपको कुछ एक्सरसाइज की जरूरत पड़ने वाली है। आप कुछ दिन जरूर करें, कोई हो सकता है कुछ दिन लगातार करना पड़ेगा और आपकी सर्वाइकल की समस्या बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाने वाली है। दोस्तों, जिसको भी सर्वाइकल होता है, देखा जाता है कि डॉक्टर्स उनको कॉलर पहनने की सलाह दे देते हैं, पेन किलर खाने की सलाह देते हैं। तो अगर आपकी दिक्कत बढ़ गई है तो हो सकता है प्रिकॉशन के तौर पर आपको वो लेना पड़े, तो उसमें आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हल्की सी सिकाई जरूर करें और मूवमेंट करें, अपने पोस्चर को ठीक करें और आपकी सर्वाइकल की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें,
वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।